एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर के अंदर सबसे पहली एप्लीकेशन है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू टीआईआर। डायमंड का चमकना टीआईआर है। कैसे? डायमंड की कटिंग ऐसी होती है कि लाइट डायमंड में एंटर कर जाती है, अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन उसको बाहर आना चाहिए, पर होता क्या है जब वो सरफेस को टक्कर मारती है उसका एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल हो जाता है, तो बाहर निकलने की बजाय वो अंदर रह जाती है। फिर सेकेंड सरफेस को टक्कर मारती है, फिर एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल हो जाता है, वो अंदर फंस जाती है, फिर आगे जाती है, फिर अगली सरफेस को टक्कर मारती है, रिफ्रैक्शन से बाहर आना चाहिए, फिर टीआईआर हो जाता है, तो काफ़ी देर तक अंदर रहती है और चमकता है डायमंड, और फिर बाहर भी आ जाती है। हर वक्त अंदर रहती है, आपने कैद थोड़ा कर लिया कि हमेशा चमकता रहेगा, तो कभी तो बाहर आती है, पर अगर तीन चार बार भी टक्कर मार गई तो डायमंड चमकता है। नेक्स्ट है मिराज। मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, लाइट का धोखा है, इल्यूजन है। इल्यूजन क्या है? बहुत ज़्यादा गर्मियों के अंदर डेजर्ट में अगर आप चलते हैं तो आपको डेजर्ट का सरफेस बहुत दूर आपको लगेगा वहाँ पर पानी है, आपको लगेगा वहाँ पर कहीं पानी है। तो डेजर्ट के अंदर या गर्मियों के दिनों के अंदर जब बहुत गर्मी पड़ रही है, सड़कें भी लगती हैं बहुत दूर से, आप ड्राइव कर रहे हो जैसे गीली हुई पड़ी हैं, कुछ ऐसे जैसे पिघल गई हैं ऐसा लगता है, होता नहीं है, पास जाते हो ड्राई दिखती है। तो होता क्या है, ऑप्टिकल इल्यूजन कैसे हो जाता है, मान लो ये अर्थ है, अर्थ बहुत गर्म हो गई है और ये पेड़ है, बहुत दूर से ऑब्जर्वर देख रहे हैं, तो अर्थ की गर्म होने की वजह से जो एयर के अंदर ये लेयर्स हैं ना, ये लेयर्स हैं, ये देखो, तो डेंसिटी इसमें चेंज हो जाती है, ठीक है, जो डेंसिटी है वो चेंज हो जाती है एयर की। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ऑब्जर्वर यहाँ पर है, एक ऑब्जर्वर ऑब्वियसली रे सीधी भी आएगी। अब ये एयर डेंसर होती है और अर्थ के पास आते आते एयर क्या हो जाती है, रेयरर हो जाती है, रेयरर, डेंसर से रेयरर। तो होता क्या है, यहां से एक ऑब्जेक्ट है, यहां से रे आती है, नॉर्मल पे टक्कर मारती है, ऑब्वियसली अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल से फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये तो फिर भी सरफेस है, कभी कभी तो एयर की लेयर में से ही मुड़ जाती है, सरफेस पे हिट नहीं करती, ये आई अवे फ्रॉम नॉर्मल, नीचे ग्राउंड है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, टीआईआर हो गई, हवा में उड़ गई, अर्थ आती नहीं अर्थ तक, तो और मुड़ के ऑब्जर्वर की आंख में ऐसी चली जाती है, ऑब्जर्वर को लगता है कि मेरे को यहां से लाइट आ रही है तो नीचे उसको शेडो दिखती है, लेकिन एक्चुअल में शेडो जमीन है नीचे, तो उसमें पानी है, पानी में उसको शेडो दिखनी स्टार्ट हो जाती है, होता कुछ नहीं है, बस इल्यूजन है, पास जाता है सब खत्म हो जाता है, ये बस जो है इल्यूजन है, तो पेड़ वैसे दिखेगा, नीचे आपको सैंड दिखेगी। पर पॉइंट समझ में आ रहा है कि हवा में टीआईआर होने की वजह से ऐसा लगता है कि इमेज कहीं यहाँ बन रही है उसकी, लेकिन होता कुछ नहीं है ऐसा, सिर्फ इसलिए कि एयर की डेंसिटी में फर्क आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट है इसके अंदर टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, आपके बोर्ड के अंदर ये आ जाता है, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म में कहेगा टीआईआर करके दिखाओ। ग्लास प्रिज्म में पहला ग्लास प्रिज्म आप एक लेंगे, आप राइट एंगल ग्लास प्रिज्म देगा आपको, वो कहेगा इसमें टीआईआर करके दिखाओ, तो राइट एंगल ग्लास प्रिज्म लेना है एट एन एंगल ऑफ 45-45 डिग्री, आइसोस्कोप है ये और राइट एंगल है, ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट में से रे निकलेगी 90 डिग्री पे एंट्री कर रही है तो सीधी चली जाएगी बिना रिफ्रैक्शन के, यहाँ पे हिट करेगी। अब कायदे से ग्लास प्रिज्म में से लाइट यहाँ चली जानी चाहिए, पर क्या होता है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल बन जाता है, तो लाइट यहाँ मुड़ जाती है, अंदर ही मुड़ जाती है, नॉर्मल के थ्रू आती है और लाइट यहाँ पे आ जाती है, एक टीआईआर हो गया, ऐसी इसके साथ भी टीआईआर हो गया। तो एक बार इस सरफेस पे लाइट क्या कर जाती है, टीआईआर हो जाती है, रिफ्रैक्शन होने की बजाय यहाँ मुड़ जाती है, आपको इमेज जो है वो 90 डिग्री शिफ्ट होकर दिखती है। तो आपने ये डायग्राम कंप्लीट करना है, 90 डिग्री ग्लास प्रिज्म आएगा तो ठीक है, पहले पहली चीज। दूसरी वो कहेगा इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म देगा वो आपको, इक्विलेटरल ये रहा, तो इसमें तीनों साइड बराबर है और 90 डिग्री भी नहीं है, तो ग्लास प्रिज्म में टीआईआर शो करनी है, ये रे गई, यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं, हिट किया टीआईआर, एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल बना होगा, फिर हिट किया यहाँ पर भी एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल बना होगा और फिर मुड़ के यहाँ पे आ गई, तो 180 का फेस शिफ्ट हो जाएगा, 180 शिफ्ट हो जाएगी, तो दो टीआईआर है, राइट एंगल में एक टीआईआर है, इसमें जब तीनों साइड बराबर है दो टीआईआर है, और कभी कभी करेगा कि 45-45 डिग्री पे ये राइट एंगल फिर से आइसोस्कोप प्रिज्म है, इसके अंदर ऐसा भी बनता है, ये ऑब्जेक्ट है, रे सीधी गई, रिफ्रैक्शन हो गई, बेंड हो गई, यहाँ पे बाहर आना चाहिए था, टीआईआर हो गया, यहाँ पर एंगल क्या बना होगा, ग्रेटर देन क्रिटिकल बना होगा, ग्रेटर देन क्रिटिकल से यहाँ गई, फिर रिफ्रैक्शन से बाहर निकल गई, तो ऐसे यहाँ पर आई, रिफ्रैक्शन, टीआईआर, रिफ्रैक्शन, ये तो ये डायग्राम को कंप्लीट करना होगा आपको ये शो करते हुए कि ये टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास
प्रिज्म्स हैं, ठीक है यहाँ पर, तो एक एक नंबर में आ सकता है। ऑप्टिकल फाइबर आ जाता है, ऑप्टिकल फाइबर में जो आप घरों में ब्रॉडबैंड भी यूज करते हो, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू काम करती है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, लाइट सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जगह लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करता है। होता क्या है, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर फाइबर समझते हो, फाइबर मटीरियल जो गेट उस पर भी लगा होता है, मतलब धागे की तरह बना होता है, ग्लास भी नहीं, प्योर ग्लास भी नहीं होता। तो बेसिकली एक वायर बना दी जाती है फाइबर से, वॉल्यूम वाइज है, फाइबर ही फाइबर है अंदर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा जाता है ज्यादा, डेंसर। इसके बाहर एक और फाइबर लगाया जाता है इसके आउटर सरफेस पे, जो कि थोड़ा सा इससे क्या होता है, रेयरर। अब लाइट सीधा डेंसर में हिट करवाई जाती है, और यहां पे नॉर्मल पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या बन जाता है, ग्रेटर देन क्रिटिकल। तो यहां पर टीआईआर हो जाती है और लाइट अंदर ही अंदर वापस आ जाती है। अब क्या होता है, ये फिर से नॉर्मल है, यहां से एंगल फिर से ग्रेटर देन टीआईआर है, कायदे से तो डेंसर से रेयरर में लाइट को बाहर निकल जाना चाहिए था, पर एंटर ही ऐसे करवाते हैं कि टीआईआर हो जाए। तो यहां पर फिर टीआईआर हो गया, फिर अंदर, फिर टीआईआर हो गया, फिर अंदर, करते करते लाइट बहुत तेज ट्रेवल कर जाती है। हमारे घरों में जो ब्रॉडबैंड है वो ऐसे तो चलता है, मॉडम है, इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर रहा है कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मॉडम को दे रहा है, मॉडम उसको लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। याद है ऑप्टिकल फाइबर लगाते हैं, वो चेक मशीन लेके आते हैं ऑप्टिकल फाइबर की, तो पतले धागे होते हैं, बहुत ही पतले, बाल जितने पतले हैं जिसमें ट्रैवल करती है, तो बहुत ही पतली है, और ऐसे कई होती हैं इसमें जिसमें लाइट ट्रैवल करती है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइट में कन्वर्ट हो गया, फिर जहां तक आपकी ये सिग्नल को जाना है वहां भी मॉडम होगा, वो लाइट को वापस कन्वर्ट करेगा किसे, ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर से इंटरनेट, ऐसे चलता है इंटरनेट, और तो वो 3×10^8 की स्पीड के साथ चल रहा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर का क्या काम है। तो इसको ऑप्टिकल फाइबर के अंदर यूज करेंगे, जो डेंसर अंदर का डेंसर मीडियम है ऑप्टिकल फाइबर का, उसको कोर बोलते हैं। इसके बाहर की कवरिंग को जो रेयरर है उसको क्लैडिंग बोलते हैं। ये तो प्लास्टिक की कवरिंग है, ये तो कोई चक्कर नहीं है इसमें। तो ऑप्टिकल फाइबर्स कहाँ काम आती हैं, ये पूछ सकता है। टीआईआर की एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर है, पर ऑप्टिकल फाइबर कहाँ काम आती हैं, ब्रॉडबैंड में, इंटरनेट में। तो पहली एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर की है, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय कन्वर्टिंग इनटू लाइट सिग्नल, तो लाइट सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर टू, यूज इन टेलीफोन्स एंड अदर ट्रांसमिटिंग केबल्स, बताया मैंने टेलीफोन केबल्स के अंदर काम आता है। यूज इन मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, पेट के अंदर अल्सर है, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड नहीं देख पा रहा तो आपको हॉस्पिटल बुलाएंगे, एंडोस्कोपी करेंगे, आपके मुंह में ऑप्टिकल बहुत पतली धागे जितनी पाइप डाल देंगे, अंदर क्या है आपको पता भी लगेगा, बहुत मीन्स पेट में डाल देंगे, लाइट पास करेंगे, लाइट जाएगी, लाइट उसमें चली जाएगी। अब लाइट ऑप्टिकल फाइबर देखो टीआईआर होती जाती है नीचे, तो नीचे जाएगी तो बल्ब जलेगा, डॉक्टर देख लेगा क्या बीमारी है, बात खत्म। तो वहीं से चेक हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक, तो डिजीज को देखा जा सकता है, तो हो गया बस।